अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम अपने इलाके में खुमैनी कोट के गांव में आए हुए हैं। इस जगह को खुमैनी कोट कहा जाता है और हमारा सारा इलाका वैसे तो खजूर की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन हमारे इलाके में हमारे गांव के एक फार्मर हैं मलिक असलम साहब, उन्होंने जो है यहाँ पे सबसे पहले लेमन का बाग लगाया था, लेमन की सिंगड़ वैरायटी का बाग। तो आज हम उनके लेमन के और खजूरों के बाग पे विज़िट करेंगे और आज हम उनसे जो है वो डिटेल भी लेंगे लेमन फार्मिंग के हवाले से। तो ये खुमैनी कोट का इलाका बड़ा खूबसूरत इलाका है और हर तरफ जो है गंदम के खेत और खजूरों के दरख्त और सब्ज़ा है हर तरफ। यहाँ पे मलिक साहब ने अपना जो है वो यहाँ पे डेरा बनाया हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और एक कुत्ता भी सामने बैठा है। इस वक्त हम थोड़ा होशियार हैं कि यार कहीं हमारी तरफ ना आए। ये डेरा बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। और यहाँ पे इनका ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सोलर ट्यूबवेल। मलिक साहब ये कितने केवी का है? ये ऑलमोस्ट 10 है। 10 केवी है ये? हाँ, 10 हॉर्स पावर की ये हमारी मोटर है जी। और पानी ये हमें 5 इंच का पानी देती है जी जी। और इसको जिस वक्त हमने लगाया था बोर समेत इसका सारा 1 मिलियन कास्ट थी। अच्छा, 1 मिलियन यानी 10 लाख का आपको? 10 लाख में ये पड़ा है। पानी इस गहराई में 15-20 फुट है जी। तो पहले हमें ये एक बोर लगा हुआ है, एक हमारा और था डीजल पे चलाते थे जी, तो डीजल की कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी। अच्छा, इससे ये कास्ट एफिशिएंट ऑलमोस्ट जो है ये अपनी कीमत का हाफ रिकवर कर चुका है। रिकवर कर चुका है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये बड़ा अच्छा है। और ये आप रोज़ इसके थ्रू पानी लगाते हैं या कोई वक्फा भी बीच में होता है? कभी कभी सर्दियों में वक्फा आ जाता है, जब पानी की ज़रूरत नहीं होती फसल को तो फिर हम नहीं लगाते। वैसे जो लेमन होते हैं, लेमन को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती। अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत होगी। हाँ, और गर्मियों में तो इसको हर चौथे रोज़ पानी लगना चाहिए शदीद गर्मी में जी। जबकि खजूरें जो हैं वो कुछ पानी ना भी मिले तो वो सख्त किस्म के पौधे हैं, वो सस्टेन कर जाते हैं। ठीक है। पहले जब हमने ये ज़मीन ख़रीदी थी तो यहाँ रेत के टीले थे जी, यहाँ द्रैसिंध बहता था जी। फिर द्रैसिंध इस जगह को छोड़ गया, नीचे की तरफ चला गया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ चश्मा बैराज। तो इन ज़मीनों को हमने आबाद किया जी, हमने ये सारी नालियाँ सब्ती कराई हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ केपीके ने सब्सिडी दी थी इसमें? ऑलमोस्ट उन्होंने सारा खर्चा किया, लेबर कास्ट हमारी है। अच्छा अच्छा, बाकी सारा एक्सपेंस जो है वाटर मैनेजमेंट डी आई खान ने ये हमें बना के दी है। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट डी आई खान। यस। लेमन का बाग लगाने के लिए या कोई भी बाग लगाने के लिए पहले ज़मीन को हमवार करें। अच्छा, हमने इसको लेज़र करवाया है, हमवार किया जाए पहले, हमवार किया है फिर उसके बाद ये बाग लगाया है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जहाँ लैंड अच्छी हो, वेदर अच्छा हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो जी। हमारा इलाका नहरी है लेकिन जहाँ पानी इतना नहीं मिलता तो हम ये सोलर से रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं जी। अभी हम आपको जो है वो बाग का विजिट करवाते हैं। फूल लगे हुए हैं। अच्छा, ये फूलों पे देखें आप, इस वक्त फूल आए हुए हैं और मक्खियाँ दिखा भी, मक्खियाँ आई हुई हैं। आगे इसके लीमू बनेंगे, शहद की मक्खियों के काफ़ी छत्ते इसके अंदर लगे हैं आप। अच्छा, शहद की मक्खियों के छत्ते हैं? हाँ, 2-3 हैं। वो ये मक्खियाँ इसकी पॉलिनेशन में हेल्पफुल होती हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है वो फूल लगे हुए हैं लीमुओं के दरख्त पे, आगे फिर इन फूल से जो है ना ये फ्रूटिंग होगी। और एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है यहाँ पे वो ये है कि शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हैं यहाँ पे,
तो मलिक साहब बता रहे हैं कि ये जो अभी लेमन का बाग है इसमें 2-3 छते भी हैं इन मक्खियों के, तो ये यहाँ से जो है ना वो फूलों से रस चूस रही हैं और बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ यहाँ पे। जी कनाल्स पे है जी, 48 कनाल्स जी, 6 एकड़ है। पहले 7 एकड़ लगाए थे, 1 एकड़ का जो हमें नर्सरी दी गई थी वो ठीक नहीं थी। अच्छा, तो वो हमने रिमूव कर दी है जी, 1 एकड़ आगे खाली पड़ा है, बाकी 6 एकड़ है। और इसके अंदर ये इसको सीडलेस लेमन कहते हैं। सीडलेस लेमन जी, ये सीडलेस लेमन है। सिंगड़ वेराइटी है ये, इसे सिंगड़ वेराइटी भी कहते हैं, सीडलेस भी कहते हैं। और ये हमारी जो इसकी है ये सालाना हमें जो गर्मियों में इसकी पैदावार है जी, वो 36 गाड़ियां इससे निकलती हैं, तकरीबन 35-36 वैगनें निकलती हैं। एक वैगन 300 के करीब वो ले जाती है क्रेट्स। अच्छा हाँ, और इसकी साइज़ की अगर बात करें तो ये लेमन देखा जाए। अच्छा, इस वक्त एक लेमन लगा भी हुआ है इसके ऊपर, लेमन तैयार है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा साइज़ है तो। हाँ, और गर्मियों में ये सारे फूल जब बन जाएंगे जी, इसको तो अब तोड़ लेना चाहिए, माह रमज़ान है, ये मोटे मोटे दाने रह गए हैं जी, वरना वो ले तोड़ कर एक दफ़ा सर्दियों वाली क्रॉप ले गए हैं। अच्छा, वो ले गए हैं। हाँ, इस मौसम में इसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है जी। और ज़्यादातर ये हमारा लेमन अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, पठान इलाके में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें रस बहुत ज़्यादा होती है जी। और ये है कि इसको लेमन के जूस को सेव नहीं किया जा सकता। अच्छा अच्छा, इसको हमने सेव करने की कोशिश की है लेकिन कड़वा हो जाता है जी। और इट्स फाइन, इसमें 48 कनाल से आपको ये आप बता रहे थे कि 2.5 मिलियन यानी 25 लाख इसने इनकम दिया है। 25 लाख बिल्कुल इस वक्त बिका हुआ है ये बाग। और इस पे खाद की जिम्मेदारी भी जिसने ख़रीदा है उस ठेकेदार की है जी, स्प्रे भी वो करेगा, इसकी गोडी भी वो कराता है जी, हम सिर्फ और सिर्फ पानी देते हैं। और इसमें खाद का क्या स्केड्यूल है और कौन कौन सी खाद इस्तेमाल होती है? खादें चूंकि आजकल ज़्यादा महंगी हो गई हैं तो डीएपी पहले इस्तेमाल होती थी, डीएपी को तो लोग अवॉइड करते हैं जी। तो इसमें फी एकड़ जो आजकल सुपर फास्फेट और नाइट्रोजन और केन गवारा मिलाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अभी खाद मिली हुई है, पानी लगा है, देखें पौधे लश्ग्रीन हैं जी। बिल्कुल, इस मौसम में और पौधे बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह बाग की हेल्थ ठीक है जी। इसको कुछ बीमारियां लगती हैं, बीमारियों के लिए हम इस पर स्प्रे करते हैं। और रेतले इलाके में ख़ासकर दीमक इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, जब दीमक का आसार आपको नज़र आए जी, तो दीमक के कंट्रोल के लिए कुछ दवाइयां मिलती हैं जी, वो इसके पौधों के तनों में डाल दें तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। और बड़ी अच्छी फसल है जी, और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, गोडी शोडी हर चीज़ तो ठेकेदार करता है जी, हम सिर्फ नेट कैश लेते हैं। नेट कैश लेते हैं बिल्कुल। और इस पे कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं और कौन कौन सी दवाएं जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं? लीफ माइनर भी इस पे होती है जी, और एक होती है गोंद वाली बीमारी। अच्छा, उसको मेरे ख्याल में गुमोसोस कहते हैं, वो भी इस पे आती है जी। नीचे ज़्यादातर इसको जो हमारे बाग में देखी गई है, मुझे कुछ गुमोसर नज़र आई है, और ज़्यादातर दीमक। हाँ, बाकी हम कंट्रोल कर लेते हैं। दीमक जो है ना, चूँकि ज़मीन रेतली थी जी, तो उसमें दीमक ज़्यादा है, तो दीमक ने नुकसान पहुँचाया है, बाकी से हमारा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा हाँ, कुछ पौधे हमारे मरे हैं जी, तो जो मर जाता है उसको दोबारा वहाँ लगाएँ और हिफाजत करें, बहुत मेहनत चाहिए होती है जी। वन गो में जब बाग को आप पानी लगा रहे होते हैं या लगा रहे होते हैं तो उस वक्त तो चला जाता है बाग, एक एक पौधा खाली जगह पे पूरा करना और उसकी हिफाजत करना ज़रा मुश्किल है जी, कास्ट बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये लेमन की जो आपने टाइप लगाई है वो सिंगड़ मेरे ख्याल है लेमन है, इसको सीडलेस कहते हैं, मलेशियन है जी सीडलेस। बाकी इलाका एक गाँव है सिंगड़ जी, वो डेरा इस्माइल खान का ही एक गांव है। हाँ, उसमें चूंकि इसकी नर्सरियां मिलती हैं जी, तो इसको सिंगड़ का नाम भी दिया जाता है, लेकिन असल में ये मलेशियन है। मलेशियन है और सीडलेस लेमन है, इसके अंदर कोई सीड नहीं है। अच्छा, और इसका बहुत ज्यादा वो है, इसमें रस बहुत है, रस बहुत ज्यादा है, पौधा फल बहुत उठाता है, 2 मन 2.5 मन फी पौधा 3 मन तक दे जाता है।
अच्छा, इसमें मतलब आप क्या कहते हैं कि यही वैरायटी ज़बरदस्त है या इसके अलावा भी कोई वैरायटीज़ हैं जो आप कहते हैं कि यार लोगों को लगानी चाहिए? नहीं, लगानी चाहिए। देसी लेमन बड़ा अच्छा है। अच्छा, देसी लेमन। कुछ लोग उसकी डिमांड करते हैं जी, जो छोटा लेमन होता है। हाँ, थोड़ा छोटा होता है, खूबसूरत होता है, वो इस्लामाबाद में उसकी ज़्यादा डिमांड है, पिंडी में, इस्लामाबाद में जी, पंजाब के कुछ एरियाज में, तो वो भी लगाना चाहिए। वैसे पैदावार के लिहाज से और उससे ये बहुत, ये बड़ा पौधा होता है और इसका फल भी ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका फल ज़्यादा होता है जी। ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक पौधा है ना, एक ही पौधा बहुत बड़ा है। इसका फासला जो रिकमेंडेड है वो 25 फीट है जी, 25 फीट के फासले पे लगाया जाए। अच्छा, 25 फीट के फासले। हाँ, एक कनाल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 पौधे लगने चाहिए जी, और एकड़ में 80 पौधे हो जाएंगे, इस हिसाब से लगाना चाहिए। लेकिन हमने इसको थोड़ा कंजस्टेड लगाया हुआ है जी, तकरीबन 20 फुट पे लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो आपका यानी तजर्बा इस वैरायटी के साथ बहुत अच्छा रहा है? पहले 3 सालों में तो हम यहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग करते रहे हैं, गंदम भी लेते रहे हैं जी। अब चूंकि ये पौधे बड़े हो गए हैं, ट्रैक्टर इसमें घुसता है तो शाखों को नुकसान पहुँचता है जी जी, अब हम दूसरी फसल नहीं लगाते। अच्छा, तो अगर आप हिफाजत करते रहे तो ये 25-30 साल निकाल जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर तो इसकी लाइफ अच्छी खासी है। अच्छी खासी है, ठीक है। हिफाजत चाहिए जी, दीमक से बचाएं, बीमारी से बचाएं, उसकी लुक आफ्टर करें। एक एक पौधे को, हक ये है कि जब विजिट करें तो एक एक पौधे को चेक करें कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। हम आते हैं सरसरी बाहर से फिर के चले जाते हैं, इस तरह पता नहीं चलता। आई एम ऑल्सो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जी, तो मैं ज़राअत को थोड़ा बहुत समझता भी हूँ, पढ़ी भी है, की भी है जी। अच्छा, और तो आम लोगों को ये मशवरा है कि वो बागात की तरफ आएं। बागात की तरफ, जनरल जो हम क्रॉप्स लगाते हैं जी, उनसे बागात बहुत बेहतर हैं। ठीक है, और ख़ासकर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जी, या इस तरह के लोग जो बाहर बैठे हैं, तो बाग लगाएं, बाग या उस पे बिक भी जाते हैं और पैसे मिल जाते हैं। प्लस बाग जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बड़े अच्छे हैं जी। हाँ, क्योंकि बागों के जो दरख्त होते हैं उसको लोग काटते नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, आम जो दरख्त आप लगाएंगे वो किसी ना किसी मकसद के लिए लोग काट लेंगे, लेकिन बाग आपका लगा होगा तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा है। 2500 से 3000 पर एक पौधा बिक रहा है जी। और जो खजूर है, चूंकि इस वक्त वो छुआरा बनकर एक्सपोर्ट हो रही है टू इंडिया जी, तो उसका रेट ज़्यादा है, रिटर्न उसमें ज़्यादा है। ठीक है, खजूर की लाइफ ज़्यादा है जी, इससे हिफाजत दोनों की बहुत खूब करनी पड़ती है। पानी के हिसाब क्या है उसको? पानी खजूर को ज़रा कम लगता है, एक दफ़ा सर्वाइव कर जाए जी। बीमारियां उसमें भी हैं जी, बीमारियां तो काफ़ी हैं। हाँ, स्टेम बोरर उसको भी खा जाता है और वो भी तबाह हो जाती है। हर साल हमारा 1-2 प्लांट गिर जाते हैं जी, हिफाजत स्प्रे के बावजूद जी। तो खजूर इस टाइम थोड़ी इनकम वाइज ज़्यादा है, लेकिन आदमी को एक चीज़ पर सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। हाँ जी, थोड़ी बहुत चेंज होनी चाहिए। उनको छत्तीस वजह तो नहीं पटे गए ना जी, ये बच गए, सर्दी हम क्रॉप है जी जी जी। यहाँ पे कुछ लेमन लगे हुए हैं इस दरख्त में, और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता है, और इस छत्ते की वजह से क्योंकि ये लेमन नहीं तोड़े गए थे तो ये बच गए हैं। आप देखें ये कितने बड़े बड़े लेमन हैं। यहाँ बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जिस दरख्त के ऊपर पुराने और बड़े लेमन मलिक साहब बता रहे हैं कि खड़े हुए हैं, तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर शहद का छत्ता है, जिसकी वजह से मज़दूरों ने ना उस पौधे को जो है ना हाथ नहीं लगाया और उस पे लेमन छोड़ दिए। तो अभी हमने देखा था कि एक दरख्त के अंदर बहुत बड़ा छत्ता जो है ना शहद का वो मौजूद था, और उसके ऊपर लेमन, सर्दियों वाले लेमन जो है ना, सर्दियों की क्रॉप वाले लेमन खड़े थे अभी तक बहुत बड़े। पौधे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी, ये देखे ना, कुछ इसका लश ग्रीन है जी, कुछ ये जो है ये कमजोर हो रहा है जी जी जी, इसके नीचे सीवी है। अच्छा, ये सीवी है, दीमक। बिल्कुल। अच्छा, अब दीमक का कंट्रोल अगर हम कर लें जी तो ये पौधा बच जाएगा। ठीक है, वरना इसमें ये देखें मसला है। हाँ, इसमें बाहर का ये हिस्सा ये कंडेंस हो गया। हाँ, ये 15 फुट लगा हुआ है। अच्छा, तो ये आपस में पौधे मिल गए हैं। मिल गए हैं। व्यूअर्स ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गैप कम रखा था, 15 फुट का गैप था जी जी। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट होता है ये सिंगर लेमन का, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिल गए हैं, बीच में गैप नहीं रहा। बिल्कुल, ये जंगल की तरह घना जो है ना एक बना हुआ है। यहाँ खट्टी सर्वाइव कर रही है। हाँ, ये खट्टी का पौधा है।
अच्छा, इसको आप ग्राफ्टिंग करेंगे फिर? अगर हम चाहें तो इसको ग्राफ्टिंग कर लें जी, तो ये आगे इस पर किन्नू लगा लें, कोई और चीज़ लगा लें। अभी जो आप बता रहे थे कि एक लेमन का नया प्लांट बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दें। इसके 3-4 तरीके हैं। पहले तो ये है कि आप बीज डालें तो उससे एक जो पौधा निकलेगा वो खट्टी कहलाएगा। अच्छा, वो जेन्युइन नई वैरायटी नहीं आती बीज से। जैसे ये एक खड़ा हुआ है पौधा। ये खड़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर आप अगली जो भी लगाना चाहते हैं, किन्नू लगाना चाहते हैं, लीमू लगाना चाहते हैं, जो वैरायटी भी लगाना चाहते हैं उसको ग्राफ्ट कर दें। अच्छा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा उसी टाइप में। दूसरा तरीका ये है कि आप छोटे लिफाफे लें जी, प्लास्टिक के बैग मिलते हैं, ग्रो बैग्स होते हैं छोटे छोटे से, उनके अंदर कलमें लगाएं। इन्हीं की शाखें तो उतार काट के। अच्छा, और इसकी शाख को काटने के लिए, लीमू की शाख को बनाने के लिए तीसरा ये है कि यहाँ पर काट कर थोड़ा सा आप एक मिट्टी लगा दें जी, ऊपर लिफाफा बांध दें तो ये जड़ें निकाल आएगा। अच्छा, खुद ही जड़ें निकाल आएगा। हाँ, अच्छा, इसको काट के जमीन में लगा दें जी, उससे भी ये पौधा हमें हासिल हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। और दूसरी छोटी शाखें इतनी इतनी बनाकर जी लिफाफों में लगाएं, कुछ दिनों में वो अपने पत्ते निकाल आएंगी जी, साल बाद उनको रीप्लांट करें जमीन में। अच्छा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ शाखें होती हैं जिनको हम दबा लेते हैं जी, जैसे ये शाख जमीन पर पड़ी हुई है जी, ये जमीन के अंदर इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी लगेगी तो ये ग्रो कर जाएगी, ये अलग ग्रो कर जाएगी। हाँ, इसको दाब कहते हैं, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, और एक प्लांट बन जाएगा। एक मार्च के महीने में और एक गोडी हम करते हैं इसके सितंबर के महीने में। अच्छा, इसी तरह इसको खाद भी फिर साथ देते हैं और स्प्रे भी इसमें 2 दफ़ा होता है। अब जो स्प्रे होगा वो फूलों को सस्टेन करने वाला होगा कि फूल गिरे ना और ज़्यादा फल बने जी। और उससे पहले जो है हमने सर्दियों में जो स्प्रे किया था वो उसके लिए लीफ माइनर और बीमारियों के लिए किया। यहाँ पे ये एक प्लांट है जो कि बिल्कुल मुझे खुश्क और वीक लग रहा है। इसको भी वही दीमक लगी होगी। दीमक। अच्छा, यहाँ पे ये ढकी खजूर की जो है ना वो काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की नर्सरी लगाई हुई है इन्होंने, और ये प्लांट्स अभी मैच्योर होने वाले हैं। इनको आप कब प्लांट करेंगे जमीन में? अगस्त में कर सकते हैं जी, इस साल जी। नहीं तो हम इंतज़ार करेंगे कि प्लांट ज़्यादा जल्दी मजीद ग्रो कर जाएं जी, तो नेक्स्ट ईयर इनको हम मार्च अप्रैल में शिफ्ट कर देंगे। हाँ, रीप्लांट करेंगे जी। और ये हमारे 270 के करीब पौधे हैं। इनकी एज क्या है? इनके 1 ईयर नहीं है अभी, 6 मंथ है। अच्छा, छोटे प्लांट्स हैं। हाँ, ये उधर से उखाड़ कर लाए हैं शक्कर जी। इनको 6 मंथ यहाँ हुए हैं, जो मरने थे वो मर गए। ठीक है, बाकी सरवाइव कर गए? बाकी सारे सरवाइव कर गए। ये 320 थे जी, जिसमें अब 270 यानी 50 मर गए जी, बाकी 270 रह गए। हाँ, 270 सरवाइव कर गए। और इस वक्त जो मार्केट में प्राइस जा रही है इनकी जी, एक पौधे की ये इस हालत में, ये क्योंकि छोटे हैं जी, कीमत ऑलमोस्ट 4,000 रुपये। ठीक, वन प्लांट की कीमत इस वक्त 4,000 है। हाँ, बल्कि 4500 तक भी मैंने सुना है, उससे ऊपर भी है। लेकिन वो पौधे अच्छे होते हैं, जैसे ये बड़ा है, मतलब वो थोड़े एज में ज़्यादा होते हैं और बड़े साइज में भी। हाँ, अच्छा अच्छा। अब इस पौधे को अगर हम उठवा कर दें ना किसी को जी, तो ये हम 6,000 से नीचे नहीं देंगे। ठीक है, ये क्योंकि बड़ा एक पौधा है ना। हाँ, ये इस साल फल देगा जी। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो ढकी खजूर का नर्सरी का प्लांट का पौधा है, जिसकी एज तकरीबन 6 महीने से 1 साल के दरमियान है, उसकी प्राइस 4,000-4,500 इस तरह चल रही है, और जो बड़ा प्लांट है वो उसकी प्राइस तकरीबन 6,000 तक भी जाती है। 5 एकड़ में। यहाँ पे ये गंदम की फसल लगी हुई है और ये 5 एकड़ पे गंदम की फसल लगी हुई है। ये वैरायटी कौन सी है मलिक साहब? ये अकबर 19 है जी। अकबर 19 जी। कैसी इसकी है, रिजल्ट कैसा है अकबर 19 का? अकबर 19 शुरू में जब पकती है तो इसके दाने जल्दी गिरने का खतरा होता है, तो जरा टाइम से काटते हैं जी। पैदावार इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, यील्ड इसकी बहुत अच्छी है? यील्ड इसकी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी यील्ड आती है। जी, ये लेफ्ट साइड पे हम चुकंदर की क्रॉप के पास से गुजर रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त क्रॉप लग रही है, ग्रीन। ये एक मदर प्लांट है जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो है ना छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको शकर प्लांट्स कहा जाता है, और ये उसके बच्चे हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक ही प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं, और ये फिर एक एक प्लांट बिकता है। और लेकिन इसका ये है कि जब ये ज़्यादा प्लांट्स होते हैं सकर प्लांट्स, तो कीड़ा डिटेक्ट नहीं हो सकता मदर प्लांट के ऊपर।
स्टेम बोरर का आप जो है ना वो नहीं आपको पता चल सकता कि यार बीमारी लगी हुई है या नहीं लगी हुई। ये आमदा दरख्त जी वो इस दरख्त तो हर शे थी। इलाके के लोग यहाँ पे घास काटने आए हुए हैं, ये देखें घास कटा हुआ पड़ा है सबका। ये गंदम से निकालते हैं। अच्छा, ये गंदम से निकालते हैं जड़ी बूटियाँ। जी हाँ, ये उनके पड़े हुए हैं। और ये जानवर के खाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। और सामने ये देखें आप के गधा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे गधे बंधे हुए हैं, साथ ही रेड़े हैं। और ये वाला घास जो है ये इन रेड़ों के ऊपर लेके जाएंगे और ये फिर अपने जानवरों को खिलाएंगे। देखा था बागात, बहुत मज़े के थे, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हमें। बहुत ही प्यारा इलाका है, ग्रीन सब्ज़ और पीसफुल एरिया है। यहाँ पे कोई मतलब अमन वगैरह का जो है वो ख़तरा नहीं है और यहाँ पे बड़ा ही ये सारा इलाका पीसफुल इलाका है। पढ़े लिखे यहाँ के लोग हैं और अमन पसंद लोग हैं, मेहनत करने वाले। तो अभी हम वापस चलते हैं गाँव। और आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।